नमस्कार, मैं शुभि चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ UP24 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे, जहां एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि बीजेपी की सरकार सारे कार्य जनता के हित में कर रही है। वहीं विपक्षियों पर मंत्री जी निशाना साधने में पीछे नहीं रहे, उन्होंने पूर्व सरकार की भी जमकर बुराइयां कर दी। मंगलवार को शहर के सर्किट हाउस पहुंचे नगर विकास मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे वे सभी वादे पूरे कर रही है। इस पर पत्रकारों ने सरकार की कई कमियां उनके सामने रखी तो वे इधर उधर की बातें कर उन कमियों को दूर करने की बात करते नजर आए। वहीं पत्रकारों ने मंत्री जी से कई और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिस पर मंत्री जी ने तुरंत जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि मंत्री जी कब तक जांच कराते हैं या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। ऐसा कहीं नहीं कहा था, मैंने पोस्टों में नहीं था। ये जनधन योजना में पहले मेरी बात सुन ली थी, जनधन योजना के खाते में कहीं नहीं कहा था। पर अगर मैंने पोस्ट आपके पास हो बात दिखा दीजिए, 15 लाख की बात कहीं नहीं कहा था। 15 लाख गांव के गरीब आदमी को उसको सरकारी योजना जो चल रही है उसका सीधे उसको लाभ हो चुके। जो बिचौलिए भ्रष्टाचार करते थे वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनधन योजना का लाभ। ठीक है, पर सिर्फ खाता ही खुला, रुपए तो बैंक में है नहीं, बैंक कहती रुपए नहीं है। गरीब आदमी पैसा लेगा कहां से? आप प्रेस के पत्रकार जी, जी, जी। जनधन खाते में सरकार पैसा थोड़ी डालेगी। पैसा जनधन खाते का मतलब क्या था? जनधन खाते का मतलब था कि जो गरीब आदमी को सरकारी योजनाएं उनको उनके खाते में सीधे पहुंचाएंगे, वो 501,000 रुपए के कारण खाता नहीं खुलवा पाते थे। आज वो अगर वो गैस भी लिया तो उसकी सब्सिडी उसके खाते में जाएगी, प्रधानमंत्री आवास भी लिया तो उसके खाते में पैसा जाएगा, शौचालय के अगर पैसा उसको मिलना तो उसके खाते में पैसा जाएगा। पहले मेरी बात सुनो, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन उपचार मिलेगा कैसे सर? उपचार उसको मिलेगा, आपके अस्पतालों में दवा नहीं है। आप मैनपुरी की स्थिति देखिए, अस्पताल में दवा नहीं है। आयुष्मान भारत नॉर्मल लगा, मेरी बात सुन जी जी। आयुष्मान भारत का मतलब है कि गंभीर बीमारियां जी, ये जिला अस्पतालों पर उतनी गंभीर, किडनी है, लीवर है, जिस तरह की जो बीमारियों का वो है उसके लिए आपको न एम्स में जमा दवा की कमी है, न पीजीआई में दवा की कमी है, न टाटा में दवा की कमी है, ऐसे कहीं दवा की कमी। सर गरीब लोग कहाँ जाएं? एम्स तो